बच्चों, आज हम एक स्पेशल टॉपिक लेंगे और फिजिक्स में जनरली नीट के स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है सर्किट वाले पार्ट में, जब हम केवीएल और केसीएल की बात करते हैं, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो आपने देखा होगा कि इस पर नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर आपने पुराने पेपर्स देखे हैं तो कई साल में इस पर क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जब बच्चा इन क्वेश्चंस को करता है और जब केवीएल और केसीएल पढ़ता है, स्पेशली केवीएल, तो केवीएल पढ़ने का जो जनरल मेथड होता है, जो बाकी लोग पढ़ाते हैं कि भाई आप इस इक्वेशन को बनाओ, लूप सिलेक्ट करो, उसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व करो और तब जाकर के आपका आंसर आएगा। लेकिन आज हम एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिसमें आप एक या दो लाइन में टिपिकल से टिपिकल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका नीट में टाइम बचाएगा और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंक्रीज होगी। थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब आप सर्किट पढ़ते हैं तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए और हमें उनको याद भी रखना चाहिए और एज अ शॉर्ट ट्रिक वो हम यूज़ कर पाएंगे। तो स्पेशली आज जो हम देने जा रहे हैं वो है टिपिकल सर्किट्स को हम कैसे सॉल्व करें और केवीएल यूज़ किए बिना, यानी कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी लूप सेलेक्ट किए बिना, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको जनरल कंसेप्ट तो बता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप उस कंसेप्ट पर ध्यान लगाएंगे, ठीक है ना, फिर हम अपने शॉर्ट ट्रिक पर आ जाएंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप जानते ही हैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस आर है और इस रेजिस्टेंस में करंट ए टू बी फ्लो हो रही है, यानी इफ करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, रेजिस्टेंस में करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से बी जा रही है, तो 100% हमें ये बात पता है कि ए का पोटेंशियल हायर होगा और बी का पोटेंशियल लोअर होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि इफ पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ बी, करंट इन रेजिस्टेंस फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। और सिंपल आप जानते हैं ये बात कि ये करंट कितनी आती है, तो हम सभी जानते हैं करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये कंसेप्ट जो कि बिल्कुल ओम्स लॉ का बेसिक कंसेप्ट है, और मैंने आपको कहा समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप, कुछ एक बातें समझते हुए अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होना शुरू होंगे। तो जनरल कंसेप्ट नंबर वन तो ये था ही, जो हर किसी को पता है। नंबर टू, अब हम बात करते हैं छोटा सा केसीएल की। और केसीएल में आप जानते हैं कि अगर ये करंट यहाँ पर आई वन है, ये करंट आई टू है और ये करंट आई थ्री है, तो फॉर एनी नोड और फॉर एनी जंक्शन वी नो दैट यहाँ पर हम पी जंक्शन की बात कर रहे हैं, नेट इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। इसका मतलब पी के पास में आने वाली करंट, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। तो ये भी कंसेप्ट हम पढ़ते ही हैं और आप देखेंगे कि जब ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे तो कितने जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं। आपको कोई भी इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लूप सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं सिग्मा आई इन इक्वल टू सिग्मा आई आउट, यानी पी के पास आने वाली करंट कौन सी है यहाँ पर आई वन, और पी से दूर जाने वाली करंट है यहाँ पर आई टू प्लस आई थ्री। तो ये कंसेप्ट भी हम पढ़ते ही हैं, कोई नई चीज़ है नहीं। तो जनरल कंसेप्ट को यूज़ करते हुए ही हम यहाँ पर ट्रिक बनाएंगे। और तीसरी बात, अगर हम देखें यहाँ पर इसी से रिलेटेड, अगर मान लीजिए कि मैं इस जंक्शन M की बात करता हूं, सपोज कीजिए ये करंट है I1, ये करंट है I2 और ये करंट है I3, तो अब आप इस जंक्शन के लिए क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि सर नेट इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, लेकिन यहां पर तीनों की तीनों करंट तो पॉइंट M की तरफ आ ही रही हैं, जाने वाली करंट तो कोई है ही नहीं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि ये दो कंसेप्ट आपको आते हैं, तो आप कहोगे सर हमने कोई भी नई चीज़ नहीं सीखी है, ये कंसेप्ट तो जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है उसको ये कंसेप्ट आते ही हैं, बस हम इन्हीं को यूज़ करने वाले हैं आगे। अब आप देखिए ध्यान से कि हम सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट अभी हमने सीखा है, बस उन्हीं को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जरा उस पर ध्यान लगाते हैं हम। तो यहाँ पर सर्किट मैंने बनाया है जिसमें मैंने यहाँ पर
थ्री रेजिस्टेंस ले लिए हैं, मान लीजिए आर वन है, आर टू है और आर थ्री है। सपोज कीजिए यहाँ पर पोटेंशियल वी वन, यहाँ पर पोटेंशियल वी टू और यहाँ पर पोटेंशियल वी थ्री है। ये वी वन वी टू वी थ्री आपको गिवन होगा और तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज भी आपको गिवन होती है। बस हमें अपना जो ध्यान लगाना है वो कहाँ पर है, इस पॉइंट ओ पर। अब आप देखिए कि हम बात करते हैं जब करंट की, तो सबसे ईजीएस्ट मेथड, आप पूरी तरह से फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने इच्छा से आप करंट लगाएं और आप जो भी चाहते हैं उस इक्वेशन को सॉल्व करें। मैंने मान लिया ये करंट है यहाँ पर आई वन, ये करंट है यहाँ पर आई टू और ये करंट है यहाँ पर आई थ्री, ठीक है ना। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आई वन आई टू आई थ्री जैसे मैंने बनाई है वैसे बनाएं। आप जब इस स्टेप को पूरी तरह सीख जाएंगे तो आपकी इच्छा है आप उस करंट को किसी भी डायरेक्शन में बनाएं, लेकिन एक बार फिक्स हो जाए तो उसको बार बार आप चेंज ना करें, ठीक है ना। तो मैंने ये करंट बना दिए। अब आप देखिए पॉइंट ओ को देखें, अगर हम यहां पर, तो इस पॉइंट ओ पर तीनों की तीनों करंट आ रही है, आई वन भी आ रही है ऊपर से, इधर से आई टू आ रही है, इधर से आई थ्री आ रही है। तो आपने बोला सर इनकमिंग करंट तो आउटगोइंग करंट के बराबर होनी चाहिए। पॉइंट ओ की हम बात कर रहे हैं, तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, आई वन है, आई टू है, आई थ्री है और जाने वाली करंट तो है ही नहीं। बस यही आपको, ये छोटा सा रूल ही आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में टाइम सेविंग करना सिखाएगा। अब कैसे सिखाएगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखो बेटा अगर ये करंट आई यहाँ जा रही है तो आप इस करंट को क्या लिखोगे, वी वन माइनस वी टू बाय आर। तो अब आप ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, राइट, इसका पोटेंशियल कितना है वी वन, इसका पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं वी नॉट। तो अगर मैं ऊपर वाला रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, मैं बार बार हर चीज़ नहीं आपको बताऊँगा, बस अभी शॉर्ट में हम यूज़ करेंगे, ये वी वन है, ये वी नॉट है, करंट जो ऊपर से आ रही है वो आई वन है और रेजिस्टेंस आर वन है। अब बिल्कुल इसी तरह से आप यूज़ करेंगे तो ये आई वन की जगह आप क्या लिखोगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाय आर वन। सिमिलरली इसको आप देखोगे तो क्या लिखोगे, वी टू माइनस वी नॉट बाय आर टू, और अब यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे, वी थ्री माइनस वी नॉट बाय आर थ्री, और राइट हैंड साइड में तो क्या है, जीरो ही है। मैं तो ये नहीं बोलता कि आप इसको रट के जाएं, आप इसको याद करके जाएं, जो भी वैल्यूज आपके सामने आएंगी बजाय इस फॉर्मूले के वो वैल्यूज रखना यहाँ पर ज़्यादा आसान रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स तो कट भी रही होंगी, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, मान लीजिए कि हम वी नॉट वाली टर्म्स राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो यहाँ पर बचेगा वी वन बाय आर वन, यहाँ बचेगा वी टू बाय आर टू, यहाँ बचेगा वी थ्री बाय आर थ्री, वी नॉट बाय आर वन उधर चला जाएगा, तो 1 बाय आर वन, वन बाय आर टू, वन बाय आर थ्री कॉमन आ जाएगा। तो जैसा मैंने आप कहोगे सर ये तो टिपिकल फॉर्मूला बन गया, तो मैंने कहा कि इसको भी आप याद मत करके जाओ, आप तो सिंपल ये याद करके जाओ कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री क्या होगा, जीरो। सारी वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी और अपने आप आ जाएंगी तो फिर आपको ये लंबे लंबे फॉर्मूले भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिपिकल क्वेश्चन भी आप देखोगे कि दो लाइन में सॉल्व होने लगेगा। हाँ जी बच्चों, अब हम आते हैं अपने फाइनल शॉर्ट ट्रिक पर, इस 5-10 मिनट के वीडियो के बाद में कहाँ हमें यूज़ करना है, कैसे हमें यूज़ करना है, वो हम फाइनल शॉर्ट मेथड पर आ जाते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो वो मैंने आपको समझाने के लिए सारी बातें बताई थी। अब अगर आपको पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ की रिक्वायरमेंट है तो ये सीधा ही उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में मिल जाएगा, वी वन बाय आर वन, वी टू बाय आर टू, वी थ्री बाय आर थ्री, वन बाय आर वन, वन बाय आर टू, वन बाय आर थ्री। कोई और रेजिस्टेंस अगर आगे होगा तो वो भी आगे ऐड हो जाएंगे। तो ये वो कंक्लूजन है जो उन स्टेप्स से आया है। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या ज़रूरत है कि हम बार बार उन स्टेप्स को सॉल्व करते जाएं और अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली 5-10 स्टेप्स के बाद पहुंचना तो हमें यहाँ पर ही है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, फाइव वोल्ट की बैटरी है, मान लीजिए 5 ओम है, सपोज कीजिए ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, राइट, और
यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये बैटरी, मान लीजिए 4 वोल्ट की, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो नीट में 4-5 बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। 2016 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, और जेई मेंस में भी ये क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जनरली बच्चे किस अप्रोच से इसको सॉल्व करते हैं और हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये आ जाता है कि फाइंड आउट द करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस। भाई 1 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट चाहिए, ठीक है ना, और हम मेथड यूज़ करेंगे ये। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल एक ऐसे दिख ही नहीं रहे हैं, पर मैं बनाऊंगा आपको। तो कैसे बन रहे हैं देखिए आप, जिस रेजिस्टेंस में हमें करंट चाहिए उसके एक पॉइंट पर आपने पोटेंशियल मान लिया है 0 वोल्ट, और 0 वोल्ट मानने में तो कोई परेशानी है ही नहीं। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितने वोल्ट पर हो गया है? 0 वोल्ट पर, राइट। अब आप 0 से कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव पर जा रहे हैं, 0 से पॉजिटिव पर जा रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। कितने वोल्ट का डिफरेंस है? 5 वोल्ट का। तो ये वाला पॉइंट हो गया 5 वोल्ट। आप 0 से यहाँ आएंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4 वोल्ट, राइट। हालांकि हमें इसको अब इसके जैसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसके जैसे तो बन ही चुका है ये। 5 वोल्ट अगर ये है तो ये भी 5 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है तो फिर ये भी 4 वोल्ट ही है। और अब आप ध्यान से देखिए इस सर्किट को, तो वही फॉर्म बन गई है जो मैंने यहाँ बनाई है। ये देखिए आप, V1 R1 V2 R2 V3 R3। मुझे इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया M। तो अब आप देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, M V1 R1 4/2 V2 R2 0/1 V3 R3 5/5 1/R1 1/R2 1/R3। ऊपर कितना आया बेटा है? 3। 5 और 2 का एलसीएम ऊपर आ जाएगा 10। आप एलसीएम लेना जानते ही हैं, यहाँ पर अगर आप चाहें तो साइड में लेके देख लें एलसीएम कितना आएगा 10। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। 5 और 2 7 और 10 कितना आया? 17। तो हमको एम का पोटेंशियल मिल गया 30/17। अब आपको कहोगे सर इसमें करंट कितनी आएगी? तो भैया जब पोटेंशियल हमें मिल गया है तो करंट भी आ गई। करंट कितनी आई? 30/17 -0/रेजिस्टेंस। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 30/17। तो ये मेरा सॉल्यूशन है, एक लाइन के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई KVL कोई लूप सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और लेकर के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आने लग गया होगा। तो और आप जब से प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए, जब आप नीट का पेपर देने बैठते हैं स्पेशली फिजिक्स का, तो एक तो बच्चों को फिजिक्स से वैसे डर लग रहा होता है, ऊपर से जब ये सर्किट हमारे सामने आते हैं तो हमारी अप्रोच वही रहती है जो दुनिया के सारे बच्चे करते हैं, और इक्वेशन बना रहे हैं, लूप बना रहे हैं, साइन कन्वेंशन की गलती हो गई तो क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस रहते हैं। लेकिन जब हमने एक पर्टिकुलर अप्रोच रख लिए तो फिर हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पर, तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब की बार मैं थोड़ा सा सर्किट और टिपिकल बना देता हूँ, राइट। मान लेता हूँ यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और चलिए इसको ऐसा कर देते हैं, 4 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और चलिए इसको दे देते हैं हम, क्या दे दें इसको? 5 ओम दे दें। चलिए 5 ओम दे देते हैं। आप कहोगे सर और टिपिकल करो, और टिपिकल कर देते हैं चलो, तो यहाँ पर भी एक बैटरी लगा देते हैं, कितने वोल्ट की? 1 वोल्ट की, ठीक है ना। ये बना, ये सर्किट बन गया यहाँ पर। और हमसे पूछा जाता है फाइंड आउट द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। किसी भी स्टूडेंट के सामने, आपके फ्रेंड के सामने आप इस क्वेश्चन को रख देना और बोलना कि ले भैया सॉल्व कर इसको, तो बेचारा करना शुरू कर देगा किससे? वही जनरल ट्रेडिशन से, KVL से। पर हम स्मार्ट लोग हैं, मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले एक पॉइंट को 0 वोल्ट मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए इस सर्किट में मैं आपको सबसे पहले एक दो बातें और बता देना चाहता हूँ। जब आप इस सर्किट को सॉल्व करते हो तो बीच वाले रेजिस्टेंस में आपको करंट चाहिए, तो आपने इस बीच वाला रेजिस्टेंस यहाँ बना ही दिया है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है ये,
ये यहाँ पर 1 वोल्ट की बैटरी है, राइट। आप यहाँ पर आ गए हो, आपने मान लो इस पॉइंट को एम नाम दे दिया है सपोज कीजिए, और इस पॉइंट को आपने एन नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो ये एम है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं एम से एन, तो मन ही मन में बोल रहे हैं कि यार जब मैं एम से एन आ रहा हूँ तो मुझे एक बैटरी मिल रही है और एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, जब मैं यहाँ पर एम से एन आ रहा हूँ तो पहले मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है और फिर मुझे बैटरी मिल रही है, अल्टीमेटली आ तो मैं कहाँ से कहाँ रहा हूँ, एम से एन। तो दोनों तरफ यूनिफॉर्म बना दीजिए आप। जैसे आप यहाँ पर जब आप आते हैं एम से एन, तो आपने कहा कि सर मुझे पहले रेजिस्टेंस मिल गया है और फिर मुझे यहाँ पर बैटरी मिली है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिली है। अब ये काम हम यहाँ पर भी करें कि जब हम एम से एन आते हैं तो मान लेता हूँ हमें ये रेजिस्टेंस जो मिल रहा है, पहले रेजिस्टेंस मिल गया है, और जब मैं एम से एन आता हूँ तो पहले कौन सा मिल रहा है मुझे, बैटरी का पॉजिटिव, तो बैटरी का पॉजिटिव मुझे मिला और फिर बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव, कहाँ पहुँच गया मैं, एन पर पहुँच गया। ये भी आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ये काम भी आपको वहाँ पर अलग से कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम। इस वाले पॉइंट को मैंने कितना माना था, 0 वोल्ट, तो फिर 0 वोल्ट मान लिया यहाँ पर, राइट। ये 0 वोल्ट हो गया, तो ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, 0 0 0 सेम पोटेंशियल पर। ये पॉजिटिव पे गए 6 वोल्ट हो गया, ये पॉजिटिव से गए 4 वोल्ट हो गया, ये 0 से पॉजिटिव पर आए 1 वोल्ट हो गया, हमारा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें 3 रेजिस्टेंस मिल गए यहाँ पर। एम का पोटेंशियल आ जाएगा मेरे पास में V1 बाय R1 4 बाय 2, V2 बाय R2, V3 बाय R3 6 बाय 3, 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3। ये एक लैंग्वेज सॉल्यूशन है इसका बस, क्योंकि अब आपको पता है करंट आपको निकालना ही जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। 2, 5 और 3 का आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 2, 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 मान लेता हूँ, 5 2 10 30 आ जाएगा, और ऊपर तो 5 है ही, तो जब आप यहाँ पर 5 लिख रहे हैं ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं न्यूमिरेटर को, तो ये 5 2 10 5 2 10 10 और 10 20 और 1 कितना आ जाएगा, 21, इसका एलसीएम ऊपर आ जाएगा 30 है, यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 10, 6 और 10 16 और 15 कितना आ गया, 31, राइट। कैलकुलेशन के नाम पर सिर्फ यही है आपके पास में, और मैंने सब डेटा यहाँ टिपिकल लिए, मैंने ऐसे कोई डेटा नहीं लिया है कि आप कहीं सर आपने पार्शियलिटी कर दी है और सरल डेटा ले लिया है। चलिए ये हो गया 5 6 30, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 6 1 6 और 6 2 12 डिवाइडेड बाई 31 वोल्ट। ये किसका पोटेंशियल आ गया आपके पास में, एम का पोटेंशियल आ गया, ठीक है ना। तो बस अब हमें करंट मिल जाएगी, ये पोटेंशियल आ गया है 126 बाय 31, आप इस वाले रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, और यह वाला पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, तो करंट कितनी आ जाएगी आप जानते ही हो, करंट क्या होती है V1 - V2 / R। तो एक लाइन में और दो लाइन में आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, आपको अलग से सर्किट बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई भी करंट की डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सब डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी इसमें, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये 1 वोल्ट है और ऊपर वाला पोटेंशियल तो 1 से ज़्यादा ही है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, एम टू एन ही फ्लो होगी यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो आप डायरेक्शन भी जब पता लगा चुके होंगे तो ऑप्शन में देख लेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि यही एक ऐसा ऑप्शन हो जिसमें करंट की डायरेक्शन हमें ऊपर से नीचे दी हो, तो फिर आप उसी ऑप्शन को यहाँ पर सही मान लेंगे, अदरवाइज ये कैलकुलेशन से। और ये कैलकुलेशन बिल्कुल भी मुश्किल है नहीं, क्योंकि आपको ना तो कोई इक्वेशन बनानी पड़ी है और ना ही इसमें कोई साइन कन्वेंशन का झंझट रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसी शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा सा और अपर हायर लेवल पर लेके जाएँ, ठीक है ना, हालांकि वो भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन उससे हम और टिपिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमने जो पॉइंट ओ का पोटेंशियल आपने याद किया था, बस मैं उसी में आपको थोड़ी सी बात आगे हायर स्टेज पर याद करा रहा हूँ, ठीक है ना, उन्हीं रूल्स से जो रूल हमने यूज किए थे पहले, पॉइंट ओ का पोटेंशियल हमको मिल गया था, क्या मिला था, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3, और ये कैपेसिटर में भी यूज़ में आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपने पोटेंशियल जो याद किया था V1 बाय R1 V2 बाय R2 1 बाय R1 1 बाय R2, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस आते हैं तो आप देखिए कैपेसिटेंस का सर्किट भी फिर ईजी हो जाएंगे, C1 V1
सी टू वी टू सी थ्री वी थ्री, पॉइंट ओ का पोटेंशियल आपको चाहिए तो वो हो जाएगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो एक एक लाइन में बस आपको वैल्यूज रखनी है और आपके आंसर आते जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको और टिपिकल बना देना चाहता हूँ ऊपर वाले सर्किट को। जैसे आपने देखा यहाँ पर, मान लीजिए रेजिस्टेंस है और आपको एक बैटरी यहाँ पर मिल गई है, सपोज कीजिए इसका नाम है ई वन, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आर थ्री है ही, इधर आपको एक बैटरी मिल गई है, मान लेता हूँ ये है ई थ्री, इधर आपको ये रेजिस्टेंस मिल गया है आर टू, और सपोज कीजिए इधर बैटरी मिल गई है आपको ई टू, और ये पोटेंशियल कितना है वी टू। अब आप देखो नीट में से यार टिपिकल क्वेश्चन तो क्या आएगा, वो भी हम तुरंत सॉल्व करना सीख जाएंगे तो फिर क्या बात रहेगी, ठीक है ना। पॉइंट ओ का पोटेंशियल आपको चाहिए यहाँ पर, आप एक बार बैटरियों को बिल्कुल भूल जाओ, बैटरियों को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लिखोगे सर वी वन बाय आर वन वी टू बाय आर टू है ना प्लस वी थ्री बाय आर थ्री, जो हम लिखते थे वो हम लिखते जाएंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे आपको शायद दिखना नहीं बंद हो गया होगा तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ लिख रहा हूँ वी वन बाय आर वन वी टू बाय आर टू वी थ्री बाय आर थ्री डिवाइडेड बाय वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, हमने लिखना सीख लिया था यहाँ पर। आपको सर बैटरी को क्या करें, हम बैटरी भी तो है, हाँ तो ठीक है बैटरी है तो जैसे है उसको वैसे यूज़ करेंगे हम। पॉइंट ओ को देखो, आप पॉइंट ओ को देखो, पॉइंट ओ को आपने देखा यहाँ पर, ओ से इस बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हुआ दिख रहा है, किसका ई वन का, तो यहाँ पर माइनस ई वन कर दो, तो ये हो जाएगा वी वन माइनस ई वन बाय आर वन। पॉइंट ओ को देखो, बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई टू। पॉइंट ओ को देखो, बैटरी का पॉजिटिव, ये इसको भूल जाओ, पहले बैटरी को भूल गए थे अब इसको भूल जाओ, ओ से चलते समय बैटरी का पॉजिटिव, ये ई थ्री हमें पहले दिखे यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि ई थ्री का पॉजिटिव इस ओ से जुड़ा है, तो यहाँ पर आप क्या कर दो प्लस ई थ्री कर दो, बाकी आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन तो फिर और भी जल्दी सॉल्व होने लगेंगे, अब हमें किसी को भी जीरो किसी को भी कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन जो हमने किया था पहले, इसी क्वेश्चन को अब मैं इस तरीके से करता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से कैसे हम करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे ये सर्किट मेरे सामने आया तो मैंने उस क्वेश्चन पे ही, क्वेश्चन पेपर में ही मैंने इसको क्या ले लिया, जीरो वोल्ट। तो फिर ये भी कितना हो गया जीरो वोल्ट, ये भी कितना हो गया जीरो वोल्ट, जीरो वोल्ट जीरो वोल्ट जीरो वोल्ट मुझे मिल ही गया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, अब आप सब कुछ भूल जाए, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है, ये सर्किट आपके सामने आ गया। जीरो जीरो वोल्ट है, राइट। मुझे पॉइंट एम का पोटेंशियल चाहिए, तो पॉइंट एम के पोटेंशियल में मैंने क्या बोला, ये वी वन है, तो मैं क्या लिखता, जीरो बाय टू, जीरो बाय टू प्लस जीरो बाय फाइव प्लस जीरो बाय थ्री डिवाइडेड बाय वन बाय टू, वन बाय फाइव, वन बाय थ्री। आप कहोगे बैटरियों का भी तो काम करो सर, करते, पॉइंट एम का पोटेंशियल निकाल रहे, एम पर बैटरी का पॉजिटिव है किसका, फोर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो प्लस फोर, एम पर इस बैटरी का भी पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाएगा जीरो प्लस वन, एम पर इस बैटरी का भी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा जीरो प्लस सिक्स। तो बिल्कुल सिंपल हो गया ये वापस, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो देखिए आप, अब ये कितना हो जाएगा जीरो, तो कितना बचेगा ऊपर टू, यहाँ बचेगा वन बाय फाइव, यहाँ बचेगा टू, और इधर आएगा वन बाय टू प्लस वन बाय फाइव प्लस वन बाय थ्री, ये आ जाएगा। हमने तीनों को जीरो जीरो लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर ये पोटेंशियल आ गए। और अब इसको वापस आप सॉल्व करेंगे तो आपको किसका पोटेंशियल मिल जाएगा, पॉइंट एम का पोटेंशियल मिल जाएगा, पॉइंट एम का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ एम से आप चाहें तो ये जीरो है तो ये तो वन होगा ही होगा, तो आप चाहें तो एम से इस पॉइंट तक चल करके करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो एम से पूरा यहाँ तक भी कैलकुलेट करके करंट पता लगा सकते हैं। आपको जब एम का पोटेंशियल मिल गया यहाँ पर, ये बिल्कुल वैसा का वैसा आएगा जैसे पहले आया था यहाँ पर, फाइव एलसीएम लिया है आपने नीचे,
तो ऊपर 5 2 10 5 2 10 तो ये कितना हो गया 11, और नीचे 30 LCM आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 30 15 15 और 10 15 और 10 25 और 6 31। तो बिल्कुल वही का वही यहां पर आ गया 66/31 इसका पोटेंशियल आ गया। और अब आपको तुरंत यहां पर इसको देख रहे होंगे, यहां पर ये कितने वोल्ट पर लिया आपने, 0 वोल्ट पर, ये 1 वोल्ट की बैटरी है और इसका पोटेंशियल आ गया यहां पर 66/31। तो इस तरह से आप तुरंत करके कैलकुलेट करके क्वेश्चंस और करंट पता लगा सकते हैं। तो ये हमने शॉर्ट मेथड सीखे हैं ताकि हम इन टिपिकल दिखने वाले सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर सकें। दसवानी क्लासेस में हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम बच्चे को कितना इजी और सरल स्टेप्स में वो टिपिकल सब्जेक्ट पढ़ाएं जिससे उस बच्चे को बहुत डर लगता है। फिजिक्स पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरा नाम है धीरज बेंजामिन DB और कोटा में मैं ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और बच्चों, अगर आप दसवानी क्लासेस में दसवानी क्लासेस की वीडियोस ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह से आप फिजिक्स को इजीली और प्यार से पढ़ना सीख जाएंगे। फिर फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा।